सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वी वर एबल टू पास प्रॉप्स इन द कंपोनेंट, बेसिकली डेटा भेज पा रहे थे हम कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये टेस्ट एक कंपोनेंट था, उसके अंदर हमने टाइटल भेजा, दिस इज टाइटल, एंड वी वर एबल टू प्रिंट इट। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये पेज है और ये कंपोनेंट है, पेज से कंपोनेंट में हमने डेटा भेजा, दैट मींस पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजा, फाइन। बट चाइल्ड टू पेरेंट डेटा कैसे भेजना है वो दिखाता हूं तुम्हें। उसके लिए वी यूज फंक्शन। सो सबसे पहले हमें एक नॉर्मल फंक्शन भेजना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, लेट्स नेम इट हैंडल क्लिक, ठीक है। और इस पे हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू log that we have some data, and अब इसको हम handle click को आगे pass करेंगे, ठीक है। And अभी क्या करेंगे, component के अंदर we will receive handle click first, and on click इसको execute भी करेंगे। And now when we click this, we are able to see this some data जो हम log कर रहे हैं, right? अभी हम क्या करेंगे, इस child से वापस page पे data भेजेंगे using this function only। देखो हम directly ऐसे data नहीं भेज सकते, ठीक है, this is data, ऐसे नहीं भेज सकते, क्यों? क्योंकि क्या होगा, ये directly इसको execute कर देगा function को बिना click किए। So अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, so अगर हम function को बोलें कि you will receive some data and you just need to print that data, ये देखो दिस इज डेटा ऑलरेडी प्रिंट करना शुरू कर दिया उसने, बट हमें क्या चाहिए, क्लिक पे होना चाहिए। सो हम इसको क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन बना देंगे इंस्टेड। एंड नाउ इफ वी क्लिक, इट्स नॉट वर्क, सॉरी वी फॉरगॉट टू सेव, एंड नाउ इफ वी क्लिक, ऑल सेट।